हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सारिका कुमार रेसिपीज। आज मैं आपके लेकर आई हूँ मीठे चावल की रेसिपी। बसंत पंचमी के पर्व पर हर घर में ये प्रसाद के रूप में बनाए जाते हैं मीठे चावल, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आज मैंने इसको एक हेल्दी ट्विस्ट दिया है। मैंने चीनी की जगह इसमें देसी खांड यूज़ की है, और मैंने कोई कलर भी इसमें नहीं डाला है पीला रंग देने के लिए। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। इसके मैंने लिया है एक कटोरी बासमती चावल, आप गोल्डन सैला चावल भी ले सकते हैं। एक कटोरी ही मैंने देसी खांड ली है। देसी खांड चीनी का बहुत ही हेल्दी ऑप्शन रहता है, तो आप इसे जरूर यूज़ कीजिए। अब मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच दूध, गरम दूध, जिसमें कि मैंने 20 से 25 केसर के धागे भिगो दिए थे। 2 बड़े चम्मच मैंने देसी घी लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी हरी इलायची और लौंग। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम और किशमिश। इसको मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। साथ ही हम लेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हम कोई कलर यूज़ नहीं कर रहे हैं इसमें पीला रंग देने के लिए, तो इसलिए हम हल्दी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चावल को 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। इस तरह से चावल को 1 घंटे के लिए भिगो देना है हमने, जिससे कि हमारे चावल खिले खिले बनेंगे। सबसे पहले हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई लेंगे, और उसमें इस तरह से हमें बॉईल करने हैं चावल को। मैंने 2.5-3 कप इसमें पानी डाला है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी हल्दी, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 हरी इलायची और 2 लौंग। इस तरह से हमने 10 से 12 मिनट तक इस चावलों को बॉईल कर लेना है। देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और चावल जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो गए हैं। ये 90% तक हमने इसको बॉईल करना है, 10% जो है इसको रह जाने चाहिए ये, ताकि इसको जब हम बाद में दम देंगे तो ये पूरे अच्छे से कुक हो जाएंगे और एकदम खिले खिले चावल हमारे तैयार होंगे। देखिए इसको इस तरह से छन्नी में छान लेंगे, जो भी एक्स्ट्रा पानी है वो इसका निकल जाएगा, और इसको पूरी तरह से हमने ठंडा कर लेना है, तभी इसमें हम बाकी का आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। अब लेंगे हम एक नॉनस्टिक कढ़ाई, और इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच देसी घी, और जो हमारे ड्राई फ्रूट्स से जो हमने काट के रखे हुए हैं वो इसमें डाल देंगे। इस तरह से ड्राई फ्रूट्स को हमने हल्का सा फ्राई करना है, एकदम गैस की फ्लेम को एकदम लो रखना है। देखिए ये फ्राई हो गए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और जो इसमें बचा हुआ घी है उसको ऐसे ही रहने देंगे। गैस की फ्लेम लो ही रखनी है एकदम, और जो इसमें हमने चावल जो हमारे बॉयल हो गए थे वो डालेंगे। देखिए हल्दी से इसमें कलर कितना बढ़िया आया है। अब इसमें डालेंगे हम देसी खांड, इस तरह से देसी खांड इस तरह से ऊपर से डाल देंगे, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे जो हमने केसर भिगो के रखा था दूध में। देखिए केसर का रंग भी बहुत ही बढ़िया आया है, साथ ही हम केसर वाला दूध इसके ऊपर डाल देंगे। और अब हम इसमें बहुत ही हल्के हाथ से हमने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करना है, क्योंकि हम चीनी की जगह देसी खांड यूज़ कर रहे हैं, तो ये बड़े अच्छे से फटाफट से चावल में मिक्स हो जाते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही हल्के हाथ से हमने ये प्रोसेस करना है, ताकि जो चावल है वो टूटे नहीं हमारे। देखिए इस तरह से मिक्स कर लेंगे चावलों को, और देखिए कलर कितना बढ़िया आया है इसमें, कोई कलर हमने यूज़ नहीं किया है। अब इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करे थे। आधे ड्राई फ्रूट्स मैं अभी डाल दूंगी, और बाकी के ड्राई फ्रूट्स से हम इसको बाद में गार्निश करेंगे। ड्राई फ्रूट्स डाल के भी हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये सारे जो फ्लेवर्स हैं वो राइस में आ जाएंगे चावलों में। तो इस तरह से मिक्स कर देंगे, और अब हमने इसको दम देना है 5 मिनट के लिए। हमने इसको इस तरह से ढक के रख देना है, ताकि जो इसको दूध है सब इतने अच्छे से सोख हो जाए। और देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अब देखिए बिल्कुल नीचे जो है वो बिल्कुल भी कुछ भी दूध या कुछ भी नहीं है, एकदम सोख कर लिया है राइस ने। तो बिल्कुल रेडी है हमारे ये मीठे चावल। इस तरह से अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कितने खिले खिले, कितने बढ़िया हमारे मीठे चावल बनकर तैयार हुए हैं। और जो हम दालचीनी इसमें डालते हैं उसकी बहुत ही अच्छा उसका एक एरोमा इसमें आता है। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। गार्निश करेंगे इसको अपने बचे हुए जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए रेडी है ये हमारे मीठे चावल। फ्रेंड्स आप ज़रूर ये रेसिपी एक बार ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी है ये, और बसंत पंचमी पे तो स्पेशल हर घर में ये बनाए जाते हैं।
बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी है। मैंने इसमें घी भी बहुत कम यूज़ किया है, आप चाहें तो ज़्यादा घी भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, तो इन्जॉय कीजिए ये। और मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी में। जब तक प्लीज़ मेरी वीडियोज़ देखते रहिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।